अभी हम जो टॉपिक शुरू करेंगे तो टॉपिक है हम आज इस स्थिति में पहुंचे कैसे। 1962 में हमारे जो देश की स्थिति, मैं तो पैदा हुआ नहीं था, सुना है मैंने भी कि 10 में से 7 आदमी तो पेट भर खाना खा पाते थे, 3 आदमी या तो कुपोषित थे मतलब उनको कम भोजन मिलता था, या वो लोग सक्षम नहीं थे पेट भरने में अपना, क्योंकि हमारे देश में अनाज की कमी थी, जनसंख्या बढ़ती जा रही थी और अनाज की कमी होती जा रही थी। उस समय में क्या हुआ कि रासायनिक फर्टिलाइजरों को हमारे देश में लाया गया हरित क्रांति के तौर पे। बड़ी अच्छी बात थी, ये कोई गलत उद्देश्य से नहीं लाए गए थे, ये लाए इसलिए गए थे कि देश में अन्न बढ़े तो लोगों का पेट भरे। सबसे पहली प्राथमिकता है पेट भरना, दूसरी प्राथमिकता है कैसे भरना। अगर हम जैविक तरीके से पेट भर सकते हैं तो फिर रसायन क्यों डालें। अब हुआ क्या कि 1962 के बाद उस समय में जो हमारी ज़मीनों के कार्बन थे, वो ज़मीनों के कार्बन लगभग जो है, अगर भारत का ज़्यादातर हिस्सा देखा जाए, एवरेज की अगर मैं बात करूं तो 2% के आसपास हमारा कार्बन पूरे भारत का था। कार्बन मतलब ज़मीन के अंदर कार्बन होता क्या है, लोग कार्बन 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 चिल्लाते हैं, आपने पढ़ा होगा। कार्बन होता, कार्बन बनता कैसे है, कार्बन बनने के लिए हजारों साल लगते हैं और बर्बाद होने में भी हजारों साल लगते हैं, ना एकदम ख़त्म होता है ना एकदम पैदा होता है। हमारी ज़मीन के अंदर ये जो पत्ते वत्ते पड़ते हैं, किसी भी पौधे या चलने फिरने वाले जीव का बॉडी का अंश, जब ये ज़मीन में जाएगा तो इसको डिकम्पोज करने के लिए दो चीज़ें आएंगी, एक फंगस आएगी एक बैक्टीरिया आएंगे। फंगस और बैक्टीरिया जब इसको डिकम्पोज करेंगे तो डिकम्पोज करने की प्रक्रिया में इनकी बॉडी से निकला हुआ, फंगस से निकलता है ठोस और बैक्टीरिया से निकलता है चिपचिपा तरल। जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो ये ज़मीन में जाके कार्बन के रूप में परिवर्तित होते हैं। कार्बन का मतलब है दो कणों, दो भूमि के कणों के बीच में एक ऐसा जीवंत संसार जिसके अंदर से नया जीव उत्पत्ति ले सके, उसको कार्बन कहते हैं। जितना मैंने समझा है, परिभाषाएं अलग अलग हो सकती हैं, मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश करना, किसान की भाषा में समझा रहा हूं आपको। तो ये कार्बन है, कार्बन जमीन के अंदर ऐसा है जैसे गमले के अंदर मिट्टी, अगर गमले के अंदर से मिट्टी निकाल दोगे तो गमला चलेगा वो पौधा, तो ऐसे मिट्टी के अंदर कार्बन होना बहुत जरूरी है। हमारे पेट में आंत निकाल दो फिर सिस्टम ही खत्म, तो आंत जरूरी है। अब वो आंत खराब हो गई तो ठीक कर लो, ठीक है तो और ठीक रहने दो, उसको खराब मत होने दो। अब आंत ही काट के निकाल दोगे तो फिर कैसे काम चलेगा। तो 1962 के बाद जो रासायनिक फर्टिलाइजर आए तो इनसे हमारा उत्पादन बढ़ा। अब जब बढ़ा तो मजा आया, जब पहला पैक आदमी मारता बड़ा मजा आता है उसे, उसे लगा जिंदगी भर शरीर में यही ताकत रहेगी और तू ऐसे या भुर करेगा। लेकिन 40 के बाद जब किडनी खत्म, एक खत्म और दूसरी खत्म, फिर बोलता है गलती कर दी, मैं पीते तो ठीक थे, गलत बोल रहा हूँ। तो जब हम इसकी मात्रा को बढ़ाते चले गए तो लास्ट में होता क्या गया कि ये कार्बन हमने इस पर ध्यान देना बंद कर दिया। पहले किसान इस पर ध्यान क्यों देता था, गोबर की खाद, ये हमारे जितने भी वेस्टेज हैं जमीन के अंदर क्यों सड़ाता था, क्योंकि उसके पास कोई जरिया नहीं था कुछ। अब उसको क्या मिल गया, एक मुट्ठी फेंको एक ट्राली की जरूरत ही ना है, तो उसने ट्राली को छोड़ दिया और ये एक मुट्ठी खाद के पीछे पड़ गया। अब एक मुट्ठी में मजा नहीं आया तो उसने ये नहीं सोचा कि जो मुझे आनंद नहीं आ रहा है, उत्पादन नहीं आ रहा है, तो मुझे बायोमास कार्बन को खेत में बढ़ाना चाहिए। उसने बायोमास कार्बन को खेत में ना बढ़ा करके उस किसान ने क्या कर दिया, ये फर्टिलाइजर को बढ़ा दिया। तो धीरे 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 ये खत्म होता चला गया। आपके हाथ में अगर कुछ फंसा हुआ है तो आपने वो हाथ में से निकालने के बजाय ऊपर से और प्रेशर वाली चीजें खानी शुरू कर दी, तीनों खा लिया गैस बनी तो, और गैस बनी तो गोली खा ली। भाई टॉयलेट का जुगाड़ करो ना यार, कुछ उसको निकालो तभी तो हाथ साफ होगी। तो हमने धीरे धीरे इतना अधिकतम करते चले गए कि इनकी संस्कृति ये बोलती है कि ये केवल 20 से 25 साल के लिए आए थे। हमें ये सन 1982 से 1984 यानी कि मेरे जन्म के साल तक इनको बंद कर देना चाहिए था पूर्ण रूप से केमिकल फर्टिलाइजर को। तब तक हमारे देश में खाद्यान्न की पूर्ति हो चुकी थी बहुत बेहतर तरीके से और हमारी ज़मीनों में बैलेंस थी ताकत। अगर मैं और 10 साल बाद रिटायर होता तो क्या इतने जोश के साथ ये काम कर रहा होता जो आज कर रहा हूँ,
लगभग पौन घंटा तो मुझे खड़ा भी हो गया, कुर्सी की जरूरत नहीं पड़ने की दो तीन अभी तीन चार घंटे भी। लेकिन अगर मैं और 10 साल बाद रिटायर होता 15 साल बाद, तो समय होता है हर चीज का, तो हमें ये 1984 में बंद कर देना चाहिए तो हमारी जमीन रिकवर कर लेती जो नुकसान हमारे रासायनिक फर्टिलाइजरों से हमें हुए या पेस्टिसाइड और इनसे हुए। लेकिन हमने नहीं सुनी, हमें ये लग रहा था सारी जिंदगी बस 2 बोरी डाल लूंगा, गौरव से बढ़िया गन्ना काटना, 6 साला 3 बोरी लाने पड़ जाए, इस पर पैसे की दिक्कत नहीं, ये चलता ना गाँव में, लोग क्या बोलते हैं, हम कौन सा पतला मुतते हैं तेरे से। तो गाढ़े मूत्र के चक्कर में हमने जमीन बर्बाद कर ली। अब हमारी स्थिति ये आ गई है कि इसमें ये कार्बन पता कितना आ गया, अभी 0.34 से लेके 50 तक बहुत कम हो गया, बहुत कम। पैर चमन्नी भी नहीं बचे, अब पहले गुड्डी थी 1 रुपया टायर था, अभी चमन्ने से खत्म हो गए, 15 पैसे टायर रह गए, तार दिखने लगे कहीं कहीं, और तुम रेस करने की सोच रहे हो, फट जाएगा टायर जैसी रेस दी। यही हो रहा है जमीन में, कभी टॉप बोरा रहा है, कभी पोका बोए। आप लोग नई नई बीमारियां बढ़ती जा रही जमीन में, बात को समझो, ये बीमारी आई कहाँ से। अब ये रासायनिक फर्टिलाइजरों ने नुकसान कैसे किया भाई, ये तो समझ लो नुकसान कर दिया, नुकसान करा कैसे भाई ये और बताओ, क्यों कब कैसे। तो जो नुकसान हुआ वो ऐसे हुआ कि जो रासायनिक फर्टिलाइजर बनाए जाते हैं, आप लोगों को मेरी बातें समझ में आ रही, बाउंस तो नहीं जा रही, रासायनिक फर्टिलाइजर जो बनाए जाते हैं, ये बनाए जाते हैं केमिकल कंपोजिशन के साथ, फास्फोरिक एसिड हो गया आपका, रॉक फास्फेट हो गया, इन 2-3 चीज़ों को मिला करके केमिकल प्रक्रिया एक निश्चित टेम्परेचर पर कराई जाती है, जिससे DAP बनता है, वैसे यूरिया की बनती है, वैसे पोटाश बनता है, अलग अलग प्रकार के केमिकल फर्टिलाइजर बनते हैं। लेकिन ये केमिकल फर्टिलाइजर जिस अवस्था में बनते हैं उस अवस्था में खेत में देने के लिए नहीं बने। उदाहरण के तौर पे आप अपने घर में बाजार से सब्जी दाल खरीद कर लाते हैं, तो आप अगर मैं आपके घर में गया, इधर करो भाई कैमरा, अगर मैं आपके घर में गया तो आप मुझे दाल चावल और उड़द खिलाना तो कैसे खिलाओगे, खाना कैसे खिलाओगे, हाथ में ले लो उसको, बताओ मुझे खाना कैसे खिलाओगे, ऐसे कैसी दे दोगे या पका के बढ़िया करके रसोई में दोगे, पका के दे, पका के क्यों दोगे, कच्चा क्यों नहीं दे रहे, कच्चा हमारी आंत जो उसे बर्दाश्त नहीं कर पानी, और पक्के हो, पक्के हो कर लेंगे। तो खेती भी तो शरीर है। हाँ यो भी यही है। अब आ जाओ, अब यो मैंने आपसे क्यों कहलवाया था, इसको मैं संपूर्ण रूप से समझाता हूँ। हम जो फर्टिलाइजर लेके आते हैं वो फर्टिलाइजर क्या है, कच्चे चावल है, कच्चा उड़द है, कच्ची मिर्ची है, कच्चा तेल है, आपने वो कच्चा रख दिया, अगर राहुल भाई खाओ, अब मैं उसे खा तो रहा हूँ शर्म के मारे, क्योंकि यार तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी ना, मैं बोल नहीं सकता, या सपोज करो मैं गूंगा हूँ और मेरे हाथ बंधे हुए हैं और मुझे भूख लगी है बहुत तेज, आपने मेरे मुंह में कच्चा चावल डाले, मैंने चबा लिए, कच्चा तेल डाल दिया, नमक डाल दिया, मैं चबाता गया, मेरी मजबूरी है, मुझे खाने पड़ेंगे, तो उसमें से मैं 20% खा रहा हूँ, मेरी बात को बहुत बारीकी से समझना, 20% खा रहा हूँ, 80% मेरे मुंह से वो मजा नहीं आ रहा है, मुझे आनंद नहीं दे रहा है, लेकिन आपने मुझे जबरदस्ती डाल दिया, क्योंकि मुझे भूख लगी है और मेरा मुंह हाथ बंधे हुए हैं, मैं कुछ बोल नहीं सकता, तो वो आप मुझे ठूसे जा रहे हैं और मैं खाए जा रहा हूँ। आप बोले अच्छा फेंक रहा है, एक काम कर और लेगा एक थाली भर के। ऐसे ही जब आप कोई भी रासायनिक फर्टिलाइजर डालते हो, मोस्टली मैं अगर DAP की बात करूं तो 20% लगेगा और 80% बर्बाद हो जाएगा जमीन में जाने के बाद, जमीन एक्सेप्ट नहीं कर रही, लेकिन तुमने समझा नहीं, तुमने अत्याचार करा जमीन के ऊपर और साला हाथ और मजबूती से बांध दिए, पकड़वा साले का कंधा, इसका डाल मुंह में साले का, मुसल से ठोक, इससे ठोक साले का मुंह में, जब बाड़े में पेचकस लगा दिया, अब ठोकने चालू कर दिए, DAP पे DAP, तो मेरी आंत का क्या होगा जी, मैं मरूंगा या जूंगा। आज जो तुम्हारी जमीन है उसकी तुमने जानबूझ के ये हालत करी, उसके साथ कुकर्म करके, मैं गलत कह रहा हूं तो बताओ, हमने इस जमीन के साथ ये कुकर्म करे, होना क्या चाहिए था, रासायनिक कंपोजिशन तोड़ के देना चाहिए था। अब ये कोई नहीं बताएगा, क्योंकि लोगों को 50 किलो DAP बेचना, हमें आज तक सबको पता है कि 80% फिक्स हो रहा है, 35% फिक्स हो रहा है, 60% फिक्स हो रहा है, सबके पास गूगल है, क्या कभी किसी ने ये सोचा ये कंपोजिशन टूटेगा कैसे, फिक्स ना हो उसके ऊपर काम नहीं किया किसी ने, हम लोगों ने उसके ऊपर काम किया, कि ये सो का सोक है, पका के खाना देना। तो इसके ऊपर रिसर्च भी करी, बहुत आलोचनाएं भी झेली, पहले होती है आपकी
उपहास, फिर होती है आलोचना, ठीक है साहब, और फिर करते लोग तुम्हें फालो। अभी हम तीसरे चरण पे आ गए, दो चरण हमें झेल लिए और अपनों का सबसे ज्यादा तिरस्कार झेला है, जिसको हम अपना बोलते हैं। अगर अपना शब्द जिंदगी में से निकाल दो तो कोई विरोधी ना है दूसरा। तो हमने क्या किया जमीन के साथ, इस तरीके से गड़बड़ की। तो रासायनिक फर्टिलाइजर हम बजाय जमीन की स्थिति को समझे, इसको बढ़ाते चले गए, बढ़ाते चले गए। उत्पादन की ललक लग गई, अब जरूरत नहीं थी। इंसान सबसे बड़ा स्वार्थी है, सबसे बड़ा स्वार्थी। इसका पेट भरने के बाद भी इसका पेट नहीं भरता है। बाकी जानवर घास खानी छोड़ देगा, इंसान नहीं छोड़ेगा। अगर इंसान का पेट भर गया तो तबाह कर देगा, लेकिन दूसरे को खाने नहीं देगा। ये इंसान की आदत है, समझ रहे मेरी बात मैं क्या कह रहा हूँ। बाहर दो आदमी भूखे बैठे हैं और मेरे जेब में 5,000 रुपये, मैं अपना खाना खा के बालकों को लेके गाड़ी में बैठ के निकल जाऊंगा, लेकिन मैं कभी भी उन दो आदमी को ढूंढ के खाना नहीं खिलाऊंगा, भूखे लोगों को। तो भूखे लोगों को मैं खाना नहीं खिलाऊंगा, समझ रहे हो, ये लेते रहो। तो भूखे लोगों को मैं खाना नहीं खिलाऊंगा, क्यों? मेरा भर गया, दूसरे का भरे ना भरे। जबकि जानवर या प्रकृति कोई भी ऐसा नहीं है जो पेट भरने के बाद उसके बाद भी खाए, एक केंचुए को छोड़ के, जो भूस का भी पेट भरता नहीं है बेचारा का, खोखली नली है, भरता रहता है, निकलता रहता है। तो हम लोगों ने क्या किया, डायरेक्ट खाद ला करके देते रहे। करना क्या चाहिए था, एक और चीज, हमें रासायनिक फर्टिलाइजर के नाम, हम जब हमारे पास रासायनिक फर्टिलाइजर नहीं थे तो हमारे पास उस समय में ऑप्शन का पानी कर दिया गरम, हमारे पास उस समय में गौरव भाई फोन कर दियो घर, एक गिलास थर्मस थोड़ा गर्म चाहिए, गर्म हो गया तो नहीं, ठंडा है, थोड़ा ठंडा है। हमें उस समय में करना क्या चाहिए था, थोड़ा दिमाग पर जोर डालना चाहिए था। जब ये रासायनिक फर्टिलाइजर आए थे कि हमने इसको डालने का तरीका क्या है, करना कैसे चाहिए, तो ये सारी चीज़ें हमें गड़बड़ कर गई और हमारी स्थिति आज ऐसी आ गई कि हम बहुत बड़ी बीमारी की स्थिति में आके खड़े हो गए। अब बात आती है कि साहब खाद दिया कैसे जाए। तो पहले जब हमारे पास रासायनिक खाद नहीं थे तब हम कूड़ी का खाद डालते थे, उसके अंदर सारे पोषक तत्व होते थे। हम गेरू डालते थे, हम चूना डालते थे खेत में, हम फिटकरी डालते थे, हम चावल डालते थे पका करके उस समय में, हम लोग गुड़ का प्रयोग करते थे, जीवामृत प्रयोग करते थे, घनजीवामृत प्रयोग करते थे, देसी घी भी खेती में पड़ता था। जो मैंने बुजुर्गों से बात करी 90 साल के जो प्लस थे, पंचगव्य बना कर डालते थे, वो देसी घी पड़ता है उसमें 1/2 किलो गाय का पंचगव्य में। तो हमारे खाने में उस समय पौष्टिकता थी और सारे तत्व जो 17-18 पौधे को चाहिए, चाहिए तो जाने कितने, हमें पता केवल 17-18 के बारे में है, तो वो सारे के सारे तत्व मिलते थे। अभी हम क्या कर रहे हैं, हम केवल, हमें यूरिया का पता है, फास्फोरस का पता है और पोटास का पता है, एन कर लो इसको यूरिया की जगह में, एनपीके का पता है। एनपीके में से भी ज़्यादातर किसान, जो 40% किसान है, वो केवल यूरिया के बेस पे खेती कर रहा है भारत में। इनमें से जो और 30% है, यानी कि 70% जो बचे, लगभग 30-40% किसान एन और पी पे काम कर रहा है। बचा हुआ जो किसान है वो कभी कभी के डाल लेता है। पूरे भारत में केवल 8% लोग हैं जो अपने खेत में माइक्रोन्यूट्रिएंट से लेकर हर चीज़ तक अब लोग प्रयोग करने लगे, जो नई वाली पौध आई है, हमारी वाली पौध, जो हमारी उम्र के लोग खेती में इंटरेस्ट लेने लगे, पढ़े लिखे गौरव जैसे, तो इनको समझ में आया कि माइक्रोन्यूट्रिएंट भी चाहिए, ये भी चाहिए, सल्फर भी चाहिए, वो भी चाहिए, ऐसे भी बहुत कम लोग हैं। तो इसीलिए हमारे पहले आपसे अगर 10-15 साल की बात की जाए तो पहले 10 संतरे, आज का 10 संतरा पहला 1 संतरा बराबर था पौष्टिकता में, जब खेत में है ही नहीं, उसका दोहन करे जा रहे हैं हम, और हम लोगों ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से दोहन किया जमीनों का, तो ज़मीनों में कुछ बचा नहीं और कार्बन भी सफा गया उसके अंदर से। सूत्र होना क्या चाहिए खाद देने का, जिस प्रकार से आप भोजन करते हो, या मैं आपके घर खाना खाने गया तो आप मुझे चावल भी दोगे, दाल भी दोगे, सब्जी भी दोगे, रायता भी दोगे, सलाद भी दोगे, अचार भी दोगे, गुड़ भी दोगे, मट्ठा भी दोगे, दही भी दोगे, बाद में मीठे में खीर भी खिला दोगे, चटनी भी होगी उसमें हरे धनिए की,
ये सारी चीज हो गई, या मुझे खाली चावल 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 खिलाते रहोगे तो हम एक ही चीज दिए जा रहे हैं जमीन को, तो शरीर में कमजोरी आएगी। होना ये चाहिए, मैं मोटा मोटा समझा दूं, NPK जितना नाइट्रोजन उसका 50% जिंक, और जितना जिंक उतना ही आयरन यूरिया का, उतना खेत में जाना है। जितना फास्फोरस उसका 20% मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, जितना पोटास उसका 20% कैल्शियम, और इन दोनों को मिला करके इसका जितना भी बचा इसका 20% आ गया सल्फर, और जितना सल्फर उसका जो है आ गया तुम्हारा ये पोटेशियम हुमेट, और इसका 20% 50% आ गया पोटेशियम फुलवेट पर एक कार्ड। अगर रासायनिक खाद डाल रहे हो तो पर 10 किलो रासायनिक खाद पे 1 किलो सरसों की खली अगर दी तो कोई भी दुनिया का माइक्रोन्यूट्रेंट खरीदने की जरूरत नहीं आपको, ठीक है। तो एक एकड़ में 10 किलो सरसों की खली, ये अगर सूत्र आपने अपने खेत को दे दिया तो आप ये समझिए आप गंगा नहा गए, फसल बहुत शानदार होगी। अब ये मत सोचना कि गेहूं में दूं क्या आम में दूं, बरसीन भी अगर बो रहे हो ना तो उसमें भी दो, बाजरा भी बो रहे हो तो उसमें भी दो, एक नंबर का शानदार बाजरा निकलेगा टॉप, ये मोटे मोटे डंडे क्वालिटी एक नंबर की, क्वालिटी किसको पसंद नहीं है। आपके बाजरे में जब पोषक तत्व होंगे तो भैंस खाएगी, तो उसके दूध में पोषक तत्व आएंगे। अभी दूध में इंजेक्शन की बदबू आती है, साला रोज शाम को लग रहा है 5 रुपए का एक, फिर वो दूध दे रही पोस के, तो कैंसर नहीं होगा तो क्या होगा, बॉडी थोड़ी बनेगी इससे। ये हो गया आपके खाद देने का सूत्र। अब बात आती है कि साहब ये जो केमिकल कंपोजिशन है ये नुकसान देती कैसे है। आपके खेत में जब DAP का दाना जा करके पड़ता है जमीन में, ये DAP का दाना हमने जमीन में डाल दिया है या कोई भी, अब जब यहाँ पे आप पानी देते हो तो पानी देने के दौरान एक काम और करना भैया, जब आप वीडियो बना रहे हो ना तो बीच बीच में ये वाला जो नीचे वाला निशान है, ये वाला निशान, ये फोटो के लिए है। जब भी आपको लगे कि स्थिति बढ़िया बन रही है, अब मुझे फोटो लेना इधर मेरे मुंह को नहीं, तो आपने ये दबा देना है, अभी फोटो खींच गया इनका, समझ गया ना, मैं बताना भूल गया था आपको। तो ये आपने जैसे DAP का दाना डाला, ये तो DAP के दाने में जैसे यहाँ पे पानी लगा जा करके, बायोमास तो जमीन में हमारी मिट्टी है ही, तो यहां से अब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी बॉन्डिंग टूटने वाली। रोटी हाथ में गई, हाथ का अंदर का एसिड है वो चालू कर देगा अपना काम उसको पचाने का। अब इसमें से कुछ तेजाब निकलेंगे जो बॉन्डिंग के दौरान टूटते हैं, और कुछ गैसें निकलेंगी। पौधे का जो तना होता है, तने के ऊपर जो पत्ते टहनियां होती हैं, इनके पीछे के विलोम छिद्र में, जैसे ये आम का पत्ता है, तो इस आम के पत्ते में यहीं पे स्प्रे करते हो आप लोग, लेकिन यहां पे भी रोम छिद्र हैं इसके, जितना ये यहां से भोजन खाता है उतना यहां से भी खाता है। तो जब ये ऐसे है और मैंने DAP का दाना मेरा ऊपर गैस उड़ी तो सांस तो ये भी ले रहा है, तो ये इसके सिस्टम में जाएगा वापस से तने के अंदर। इसलिए आपने देखा होगा जब कभी खाद दे देते हैं तो नीचे के पत्ते पीले पड़ जाएं खाद देने के बाद, अक्सर कई फसलों में गेहूं में देखा होगा, बरसीन में देखा होगा, अगर ऑब्जर्व किया होगा, नहीं तो करना, सबसे नीचे के पत्ते, वो कारण यही है कि वो स्ट्रेस में आ जाते हैं। अब होता क्या है, जब आपने ऐसे खाद दिया तो ये खाद ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में पूरा बॉन्डिंग नहीं टूट पाती इसकी, क्योंकि इसको धूप भी पड़ रही है, इसके ऊपर ऑक्सीजन भी है, इसका केमिकल कंपोजिशन पूरा टूट नहीं पाता। केमिकल कंपोजिशन टूटने की ना वजह है कि जमीन को डायरेक्ट खाद चाहिए ही नहीं, और ये जो एसिड्स निकल रहे हैं और ये गैसें निकल रही हैं, हमारी जो मित्र जीवाणुओं की कॉलोनी बनी हुई है जमीन में वो डिस्टर्ब हो रही है, मित्र जीवाणु जमीन छोड़ के भाग रहे हैं, या तो नीचे जा रहे हैं 4 फीट से ऊपर नीचे, या फिर वो धीरे धीरे समाप्ति की ओर है। तो ये दाने से जितना भी जहर निकला वो आपके खेत में अवशेष के रूप में 80% पड़ा है। अब आप सोचो 1962 से और अब तक हमारी जमीन में कितने कट्टे DAP पड़ी होगी आज तक, कम से कम नहीं तो हर साल 2 कट्टे, कितने साल हो गए, 62 38 साल एक हो गए गौरव भाई, और 24 एक हो गए, कितने हो गए, 52 साल हो गए, 52 साल में 104 कट्टे, 62 साल
62 साल में 62 का दुगना कर दो, दो कट्टे तो मान ही लो, एक 124 कट्टे अगर 5 बीघे में तुम आज डीएपी ले जाकर बिछाओ तो इतनी मोटी लेयर बन जाएगी। इतना डीएपी हमारे खेत में डाल दिया हमने, पड़ा, और वो लगा नहीं खेत को, वो आज भी पड़ा और अनादि काल तक पड़ा रहेगा। तो जमीन की संरचना सुधरेगी कभी तुम्हारी जिंदगी में भी? अच्छी खेती कर पाओगे? अब हम आज की स्थिति में क्या करें? अब तक जो हो गया हो गया, हम तो बदल नहीं सकते, या ऊपर से पितरों को पकड़ नहीं सकते कि वो तोरी बोरी देते हैं, वो कौन सा अक्टूबर का समय आता है कि उस समय दादाजी को पकड़ लेंगे कि दादाजी डीएपी निकाल दो जमीन में से, वो पॉसिबल है नहीं कनाकतों में। तो दादाजी तो उड़ जाएंगे, खीर खा के बोला बेटे मुझे नहीं पता, तू ही झेल, मैं तो डाल गया डीएपी। अब हमने करना क्या है आज की स्थिति में? आज हमें करना ये है, नेताजी फोन रख दो, मैं दोबारा नहीं आने वाला, ये दोबारा आ जाएंगे। आज की स्थिति में हमने ये करना है कि अब जो हो गया हो गया, अब हमें खेत में जिप्सम डालना है इस जमीन को सुधारने के लिए। अब ये डीएपी हमारी जमीनों को मिलना चालू हो जाए, इसके दो विकल्प हैं। हम धीरे धीरे ऑर्गेनिक चीजों का प्रयोग अपनी खेती में ज्यादा करें, घरेलू बनाए हुए नुस्खों को ज्यादा चलाएं, या कुछ बाजार की ऐसी चीजें जिन्हें प्रयोग करके इनको निकाल सकते हैं या कम कर सकते हैं, जैसे फास्फोरिक एसिड। और सल्फ्यूरिक एसिड फास्फोरिक एसिड अगर आपने भट्टी खाद बनाते समय प्रयोग किया या अपनी जमीन में 200 लीटर पानी में मिला करके और वैसे भी छोड़ दिया बूंद बूंद करके पानी के साथ, तो आपकी जमीन में जितना फास्फोरस बॉन्ड होके पड़ा है उसको तोड़ करके ये पौधे को देने का काम करता है और जमीन को ढीली करेगा। पहले आई सर 200 लीटर पानी में डाल दो और पानी के साथ जाने तो बूंद बूंद करके, मतलब कितना डालना है? 2 लीटर बस। सल्फ्यूरिक एसिड 1 लीटर, 1 से 2 लीटर, लेकिन समय पे, गर्मियों में 2-2 महीने पे एक बार, जाड़ों में 1-1 महीने पे एक बार, बरसात में केवल एक बार, तब साल भर में मिला के बड़ी मुश्किल से टोटल 2-4-6-7-6 लीटर के आसपास एक एकड़ में। तो ये जितने भी रासायनिक खाद पड़े हुए हैं बॉन्डिंग, इनको सबको तोड़ देगा और लीच करा देगा जमीन के नीचे, निचली जो परत बनी हुई है बहुत मोटी वाली, उस परत को तोड़ के पानी को लीच कराने का काम भी ये करते हैं। अब इनके अलावा क्या विकल्प हैं? इनके अलावा विकल्प हैं, अगर आपने जीवामृत खेत में चलाया, डिकम्पोजर खेत में चलाया, सरसों की खली खेत में चलाई, कच्चा गोबर खेत में चलाया, गुड़ को खेत में चलाया, आपका दूध को खेत में चलाया, दही को घोल के खेत में चला दिया, आपने लाल पानी जो आपके घर पत्तियां होती हैं, पत्तियों को हौजे के पास में इकट्ठा कर लो, उसके अंदर पानी डाल दो तो 28 दिन में लाल पानी बाहर आ जाता है, ये लाल पानी खेत में चलाया, तो ये सब चीज़ों से धीरे धीरे बॉन्ड टूट जाता है। जैविक खादों का प्रयोग किया, जैसे वर्मी कंपोस्ट अपने खेत में बना लो, अपने खेतों में फेंको, तो उनसे जब वो केंचुए आएंगे तो केंचुए इन अपशिष्ट पदार्थों को भी खाएंगे और निकालेंगे, तो फिर मित्र जीवाणुओं की संख्या खेत में बढ़ेगी और मित्र जीवाणु ही इस बॉन्डिंग को तोड़ सकते हैं, या फिर ये रासायनिक भी, इन पर भी कब तक जाओगे? ये तो रासायनिक सही बात, नुकसान इनका भी नहीं है आज की स्थिति में, जब तक डिजोल्व नहीं होते। तो इससे क्या हुआ, ज्यादातर होने की वजह से हमारी जमीन के पीएच हाई हो गए या लो हो गए, जमीन की संरचनाएं बिगड़ गई, इसी किसी की ज्यादा हो गई किसी की कम, जिसकी कम ईसी होगी उसमें भी जर्मिनेशन नहीं होगा, जो ज्यादा ईसी होगी उसमें भी जर्मिनेशन नहीं होगा, इसी मतलब इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, दो कणों के बीच में विद्युत चालकता। तो अब हमने करना का चाहिए आज की स्थिति में, एक तो ये हो गए, दूसरा जिप्सम आपके यहाँ ब्लॉक में मिलता है, अगर नहीं मिलता है तो बिजनौर जिले में मुझे बता देना, मैं आप लोगों की तरफ से अधिकारियों से प्रार्थना कर लूंगा, कृषि विभाग वाले ना आपकी बात टालेंगे ना मेरी टालेंगे, किसान उनके पास जाना चाहिए आज की तारीख में, जाता ही नहीं है। तो आपने जो खेत की तैयारी करनी है, एक तो साल में एक बार जरूर आप हरी खाद जरूर वो निश्चित रूप से चेक, समय कैसा भी निकाल लो, हरी खाद में भी आपको एक ही प्रकार की खाद नहीं बोनी है कि सनी और ढांचा बोते जा रहे हैं सब पागलों की तरह, 9 प्रकार की फसलें बोनी चाहिए।